मैं हूं इस्तामुद्दीन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लुलू मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लुलू मॉल में शुद्धिकरण करने के लिए परमहंस आचार्य लुलू मॉल पहुंच गए और वो पुलिस से भी धक्का मुक्की करते हुए देखे गए। अरे हम आए थे शुद्धिकरण के लिए, लुलू मॉल में शुद्धिकरण के लिए। मैं अकेले आया हूँ। कैसे करेंगे? अरे मैं आऊंगा, मत पढ़ूंगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्धिकरण क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई है, अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई। आप शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं? ध्वज का बोल रहे हैं, पहले मांग लीजिएगा, नहीं तो कब देंगे हम, पता नहीं चलेगा। अभी दे दूंगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये व्यवसाय का है, इसको मॉल ही रहने दे, इसको राजनीति का अड्डा ना बनाए। ये लोग जिहाद के लिए बनाए हैं। अब भाई पता नहीं क्यों करा रहे हैं। गिरफ्तारी भी हुई है, चार लोगों की गिरफ्तारी। तुम दूर खड़े हो जाओ, मैं लुलू मॉल में नहीं, तुम दूर खड़े हो जाओ। आज गिरफ्तारी भी हुई है, चार लोगों की। अरे मैं तो हमको तो गेट पर से हटा दिया। हालांकि लुलू मॉल में जिस तरह से एक के बाद एक लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर गतिविधि करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इनसे परेशान हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अराजक तत्व यहां पर पहुंचकर माहौल खराब करने की कोशिश करे, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना, और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं।